हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी में। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, हर रोज़ सुबह 8 बजे से आप कक्षा 10 वाली मैथ पढ़ते हो। एक्सरसाइज 4.2 का आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही प्यार से देखो। कह रहा है कि ऐसे दो कर्मागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए, जिनके वर्गों का योग जो है वो 365 हो। क्रमागत धन पूर्णांक की बात आ रही है, इस बात को ध्यान देना। तो बच्चों देखो, क्रमागत धन पूर्णांक की बात जहाँ आती ना, वहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम एक चीज़ समझते हैं। अगर हमें सिर्फ क्रमागत धन पूर्णांक पूछा जाए तो हम पहला को x, दूसरा को x प्लस 1 मान सकते हैं। लेकिन एक बात और यहाँ पे ध्यान देने वाली है, अगर आपसे क्रमागत धन पूर्णांक पूछा जाए तो ये ठीक है, लेकिन क्रमागत अगर सम धन पूर्णांक, तो बच्चा पहला x मानोगे तो दूसरा x प्लस 2 मानोगे, तीसरा x प्लस 4 मानोगे। अगर सम विषम की बात आ रही तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, दो दो के अंतराल पे मानोगे। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ धन पूर्णांक की बात आ रही तो आप x x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 सीरियल से मान सकते हो। तो वो तो मैंने कर लिया, आगे क्या कहता है आप इसे लिख लो। माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक x, दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक x प्लस 1। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार कहता है कि जिनके वर्गों का योग 365 है। आप यहाँ पे लिखोगे प्रश्नानुसार, क्या लिखोगे बच्चा, प्रश्नानुसार वर्गों का योगफल 365 है, यानी कि x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 365। हल कर लो, ये x का स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला खुल जाएगा। और फार्मूला बच्चा आप सभी जानते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए हम इसको खोल के आपको दिखा देते हैं। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2x इक्वल 365, 365। नहीं दिखेगा बता देना, टेंशन मत लेना। तो बच्चा ये क्या होगा बाबू, ये जुड़ जाएगा तो ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 2x और ये 365 इधर ले आओ बराबर के, तो 365 हो जाएगा और प्लस का 1 इक्वल 0। पता नहीं कौन सी मुसीबत आज बड़ा हिचकी आ रही भाई, कौन आने वाला यार। देखो अब काम बन रहा है कैसे। एक बात आप यहाँ पे ध्यान दो यार, लाइट बड़ी कम मुझे लग रही है, थोड़ा सा रुको तो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, लाइट मैंने सारी जला दिया। देखो बच्चा आप क्या करोगे बाबू, यहाँ पे आप ध्यान दो, ये प्लस और माइनस है ना, तो ये फाइनल में आपका 2x का स्क्वायर प्लस ये 2x और ये माइनस 364 बराबर 0, क्योंकि एक इसमें से घट जाएगा, ये बड़ा है इस वजह से चिन्ह भी माइनस का होगा। अब अगर आप इसमें देखो तो पूरे में आप दो कॉमन ले सकते हो, तो बच्चा अगर इसमें आप दो कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा x का स्क्वायर प्लस x माइनस, इसको दो से भाग करोगे, दो एक कम दो, दो अठे 16 और दो दूना 4 इक्वल 0, ये आपका क्या बचेगा, इतना बचेगा। दो दूसरी साइड जाएगा तो सब शून्य हो जाएगा, ये चीज़ आप यहाँ x का स्क्वायर ही लिखोगे, तो कुल मिला करके एक आपको द्विघात समीकरण मिलेगा, बाकी सब कुछ हो जाएगा ख़त्म। तो देखो कैसे, ध्यान दो। अब यहाँ पे आप एक बात ध्यान देना, कक्षा 10 में पहुँच गए हो, आपको पता है ये दो इधर गुणा में है, अगर इस दो को हम उस साइड ले जाएंगे बच्चा तो ये दो हो जाएगा भाग में, और जीरो के नीचे भाग में जाएगा तो सब जीरो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा। कुल मिला करके आपको क्या मिलेगा फाइनल में, ये मिलेगा छोटका वाला, बस कौन सा है भैया वो, हमें फाइनल में सिर्फ यही समीकरण मिलेगा जिसका नाम है x का स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल 0। गुणा करने पर 182 आए और घटाने पर 1 आए, मल्टीपल पे 182 एंड सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आए, ऐसे दो पार्ट में आपको तोड़ना है। तो बच्चा क्या करोगे, x का स्क्वायर प्लस, इसे आप लिख सकते हो 14 माइनस 13, और फिर ये हो जाएगा इंटू यक्स माइनस 182 इक्वल 0। इधर नहीं दिख रहा होगा तो टेंशन मत लेना, मैं अभी इसको हटा दूंगा, इधर उधर कर दूंगा, आपको दिखने लगेगा। वैसे आपको पूरा दिख रहा है, हाँ आप लोग यहाँ पे एरो लगा लेना, सब में आगे एरो लगा लेना, लेकिन बराबर मत लगाना क्योंकि दो जगह बराबर नहीं हो सकता, यहाँ पे एरो लगाना, हाँ एरो। तो बच्चा फाइनल में ये आपका x का स्क्वायर प्लस ये 14x माइनस का 13x माइनस 182 इक्वल 0 हो जाएगा। ये कैसे हो गया पता है आपको, हमने x का मल्टीपल इसमें कर लिया तो 14x, x का 13 में तो 13x, और ये x का स्क्वायर प्लस वैसे उतार लिया, बाकी वैसे कर लिया। अब इसमें कॉमन ले लो, आपको पता है इसमें x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 बचेगा, इसमें माइनस का 13 कॉमन लोगे तो x प्लस 14 बचेगा इक्वल 0, यानी हमारे पास x प्लस 14
एंड यक्स माइनस 13 इक्वल 0, ये क्या होंगे, ये दो गुणनखंड होंगे। यहाँ से यदि हम यक्स को एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो 14 आएगा, और जब यक्स इसको 0 के बराबर करेंगे तो 13 आएगा। हमने क्या माना था, सबसे पहले माना पहला क्रमगत धन पूर्णांक x माना था, यहाँ पे हम माइनस वाला छोड़ देंगे। जब कहीं इस तरह से दो मान आते हैं, एक माइनस एक प्लस, तो हम प्लस लेते हैं, माइनस को नगण्य मान लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। तो पहला क्रमगत, देखो धन पूर्णांक की बात हो रही, तो ऋण पूर्णांक नहीं लोगे, धन पूर्णांक लोगे, x हो जाएगा, x मतलब 13। अब आप एक लाइन कहीं लिखोगे, कहाँ पे लिखोगे मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, मैं लिखूंगा नहीं। अब आप क्या लिखोगे बच्चा, ऊपर ध्यान दो, बड़े ही प्यार से देखो, ईमानदारी से देखो, आप क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे नीचे, इसके नीचे लिखोगे, अतः पहला क्रमगत धन पूर्णांक यक्स बराबर 13 तथा नीचे दूसरा क्रमगत धन पूर्णांक एक्स प्लस 1 इक्वल 13 प्लस 1 इक्वल 14। ये दो क्रमगत धन पूर्णांक हैं जिनके वर्गों का योग करोगे तो 365 आएगा। करके देख लो, फिर बताना मुझे, 13 का कर लो, 169, 14 का कर लो, 14 का कितना होता है आपको पता है ना, 196 ऐसे कुछ होता है ना, करके देखो। देखो मैंने बात भी सिद्ध कर दिया, बच्चा कह रहा कि उनके वर्गों का योगफल 365 होता है, पहला क्रमगत धन पूर्णांक 13 है, 13 का वर्ग कर लो 169 होगा, दूसरा है 14, 14 का वर्ग करो 196 होगा, दोनों को जोड़ दो 365 आ रहा है, हो गया ना सिद्ध। लेकिन हमें ये सिद्ध नहीं करना था, सिर्फ यही निकालना था, 13 14 आप कर लिए, तो इसे नोट कर लो जल्दी से फटाफट, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें, जिससे कि आपको इस तरह से सारी क्लास को मिलती रहे और आप पढ़ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं।